मैं चूंकि पीछे छोड़ता तो अब दूसरी एक कमरे में आके खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत बनेगी वजरा पे वज़ीर-ए-आला साहब का और खान का एतमाद होगा, लेकिन साथ में पार्टी की तवक्को होगी वज़ीर-ए-आला साहब से कि वजरा की कारकर्दगी पे चेक रखेंगे और इंशाल्लाह जिले में तरक्याती कामों में, समाजी कामों में और अवाम के मसाइल हल करने में जो परफॉर्मेंस जितने भी एमपीएस की जिस तरह होगी उसकी इंशाल्लाह पार्टी में कैटेगराइजेशन भी होगी, और अगर किसी की परफॉर्मेंस जो है वो तसली बख्श नहीं होगी तो वज़ीर-ए-आला को मुकम्मल अख्तियार होगा कि वो नज़रसानी शुदा फैसले करें। अली अमीन खान साउथ डिस्ट्रिक्ट से एनडी खान से बिलोंग करते हैं और बदकिस्मती से ये खित्ता जो है काफ़ी इग्नोर रहा है। पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पीटीआई की मोहब्बत का, पीटीआई की मेहनत का हकदार है, और जहाँ पसमानगी ज़्यादा है, जहाँ बदामनी है, उन खितों को, उन अज़ला को खसूसी तवज्जो दी जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनसे हमारी इस्तेदा है कि मरकज़ में नज़र ये आ रहा है कि ज़ुल्म व जबर के बलबोते पे हमारा मैंडेट चोरी करके शायद पीडीएम और पीडीएम की पीडीएम टू की हुकूमत बन जाए, तो लिहाजा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इन्होंने ये वादा किए हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत को इस तरह चलाएंगे कि पीटीआई का टर्म ख़त्म होने पर यह सिंगापुर का मंजर पेश करेगा। ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने वसाइल, अपने रिसोर्सेज जो हैं चैनलाइज करें केपी की तरफ, ये आपके मुल्क का हिस्सा है, यहाँ पे आपने पीटीआई को सपोर्ट करना है, पीटीआई की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए और वसाइल में बेहतरी लाने के लिए आपकी सरमायाकारी की ज़रूरत है। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की ये 5 साल का जो टेनओवर है ये जब ख़त्म होगा तो ये साबिका दोनों अदवार से क्वालिटी में, क्वान्टिटी में, कैटेगरी में, इंटेग्रिटी में, पॉपुलरिटी में और अवामी सतह पर इंशाल्लाह बहुत ही आगे होगा। आपके मोहब्बतों के, आपके उल्फतों के हम मकरूज़ हैं और खिदमत के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए हम आपका ये सिल्ला आपको चुकाएंगे। बहुत अली अमीन को तोरे वज़ीर-ए-आला कैसा देखेंगे, क्या काम करेगा अली अमीन, क्या तवक्कुआत हैं पार्टी की और जनूबी अज़ला की? लेकिन वो अब पूरे सूबे का वज़ीर-ए-आला है, सिर्फ जनूबी अज़ला का नहीं है। मैंने ये बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई गवर्नमेंट की तरजीह ये होनी चाहिए और होगी कि जहाँ पसमानगी ज़्यादा है साबिका अदवार में, पीटीआई के अदवार में, वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो अब उन इलाकों को तवज्जो देनी चाहिए जो कि महरूम रहे हैं। और अली अमीन खान में नंबर वन लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, अली अमीन खान एक दलेर आदमी है, अली अमीन खान समझदार भी हैं, पार्टी का पुराना ये है, तमाम एमपीएस को जानता है, पार्टी के वर्कर्स को जानता है। पार्टी के वर्कर्स की कदर इस दौर में होगी क्योंकि हमारी पार्टी में मैं जाती तौर पर हमेशा ये कहता हूँ या इमरान खान है या फिर वर्कर्स है, और ये वर्कर्स की पार्टी है, वर्कर का एहतराम होगा, वर्कर्स के साथ की गई ज्यादतियों का अजाला किया जाएगा, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम अली अमीन खान के हाथ पांव मजबूत करें केपी में हुकूमत चलाने के लिए। वो एक डायनामिक पर्सन है, अमा जहद शख्सियत है, समझता है कि किस से किस टोन में कैसे बात करनी है, लिहाजा हम बहुत ही पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह अली अमीन खान डिलीवर करेंगे।